हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ दीपिका, दीपिका ब्लॉगिंग से। और कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। कल थोड़ा इमोशनल हो गई थी, उसके लिए वेरी सॉरी। बट मैंने सच में, मुझे फील हो रहा था वैसा, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। क्योंकि जो कैमरे के बाहर वाले हैं वही मेरे सच्चे फ्रेंड्स हैं, जो कैमरे के अंदर वाले हैं वो तो मेरे, समझो कि एक तरह से, चलो रहने तो, बोलना ही नहीं है। तो आज मैं सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना था, तो मैं आपको बताती हूँ आज क्या हुआ। तो आज मैं नहा धो के जल्दी से रेडी हो गई हूँ और छत पे ही आना पड़ता है गाइस। पता है क्या, नीचे नेटवर्क नहीं होती है और मैं यहीं पे बैठ के, ये देखिए यहीं पे बैठ के मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। वीडियो देखना होता है, इंस्टा देखना होता है, इंस्टा वीडियो अपलोड करना होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और आज देखिए थोड़ा धूप भी है, तो आज भी मैंने गॉगल्स लगाए हैं कि जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़े, क्योंकि पता है धूप में रहने की ज़्यादा आदत नहीं है, जिसके कारण आइज में बहुत ज़्यादा लगती है और स्किन में मुझे जलन फील होती है। इस करके मैं थोड़ा सा गॉगल्स रख लेती हूँ हमेशा साथ में। तो आज मैंने सोचा है कि जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं आपको खेतों की शेयर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में थोड़ा सा मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी यहाँ पे थोड़े दिनों से। तो कल मैंने बोला था कि कल मैं करेले बना रही थी, तो मैं आप लोगों को लेके नहीं गई थी मैं किचन में, क्योंकि आज मैं दिखाऊंगी कि क्यों नहीं लेके गई थी। क्योंकि देखो यार, गांव में रहना इतना इजी नहीं है एंड सब कुछ एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासकर जब हम कहीं और रहते हैं और अचानक से आ जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मुझे यहाँ पे ये अच्छा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ होती है। हम शहरों में रहते हैं या और भी लोग रहते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स होती है, अधिकतर पैसे होते हैं, अच्छे खासे जॉब होते हैं, बट फिर भी मैंने देखा है अधिकतर लोगों की को कि वो खुश नहीं रहते। बट यहाँ पे मैंने पिंड में देखा है, गांव में देखा है, छोटे छोटे जगहों में देखा है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और उसमें हम खुश होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है गांव में, गांव के लोगों के पास कि चावल नहीं होता है एंड हमें किसी से मांग के करना पड़ता है, डिनर लंच की रेडी करनी होती है, डिनर लंच बनाना होता है। बट इससे इसका ये नहीं मतलब है कि उनके पास है ही नहीं, उनका प्यार है। यहाँ पे शादियों में इतने पैसे नहीं होते इन लोगों के पास कि वो खुद ही इतना अरेंजमेंट कर पाए। मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी तो मैं दिखाती, अगर उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना रही थी तो मैं दिखाती हमने कैसे अरेंज किया था। और यहाँ पे ऐसे है कि आपके घर में जो भी मतलब फंक्शंस हो रहे हैं, अगले घर वाले सब पहले से ही रेडी हो जाते हैं हेल्प के लिए, तो यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। तो एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है बट कोई बात नहीं। देखिए बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, तो मैं ना आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। रात में मैंने बनाया था और वो थोड़ा सा बच गई थी रोटी, तो मम्मी ने वही खा के चली गई जॉब पे। और मैंने बेटे के लिए नाश्ता ब्रेड मंगाया था एंड किसी तरह मैंने चाय बनाई इंडक्शन में, क्योंकि इंडक्शन का भी तार टूटा हुआ है, इसीलिए मैं आपको अपने किचन का किचन नहीं दिखा रही थी। बट मैं आपको आज दिखाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे कल का वीडियो देख के मुझे कॉल किया, मैसेज किया कि आप इमोशनल मत होया करो, तो थैंक यू सो मच, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो मैं थोड़ा चलती हूँ नीचे और आपको दिखाती हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी आज, ठीक है? तो चलो मैं फ्रेंड से ही दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना हमारा मतलब चूल्हा है, गांव में मिट्टियों के चूल्हा ज़्यादा चलते हैं ना, तो गैस भी है, सिलेंडर भी है, बट यहाँ पे हमेशा पैसे अवेलेबल नहीं होते हैं सबके पास, जिसके कारण जब भी ख़त्म हो जाए और वो बना ले, सॉरी गैस भरा ले, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये भी चूल्हा एक्स्ट्रा से रखा होता है, तो मैंने बचपन में काम किया है, बचपन में मैंने इसी चूल्हे में हमेशा खाना बनाया करती थी, ब्रेकफास्ट बनाया करती थी। बट अभी काफ़ी टाइम छूट गया है तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है। तो कल मैंने किसी तरह यहाँ पे बनाया, क्योंकि बनाने के बाद, सुबह बनाने के बाद सारा दिन बारिश हुई। और आप ये थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि देखो जो लकड़ी के चूल्हे होते हैं ना उससे धुआं निकल के ये ब्लैक हो जाती है। तो कल मैंने किसी तरह नाश्ता रेडी कर लिया था सुबह का,
यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, एक सुबह में मैं रेडी कर देती हूँ, उसके बाद में दोपहर के लिए फिर मैं जब थोड़ा सा धूप कम हो जाती है उसके बाद, लेकिन कल सारा दिन बारिश रहा तो कल मैंने दोपहर को नहीं बनाया। मम्मी चूल्हा कैसे जलेगा ये? लकड़ी से तो जलेगा, बट ना ये पानी से भींग भींग के भींग गया है पूरा, तो आज थोड़ा खाना बनाने में हमें मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैंने बनाया नहीं। मैं आज तो धूप निकली है, मैंने सोचा कि चलो धूप निकलेगी और ये अच्छे से सूख जाएगा तो हम मैं इसके थोड़े से अच्छे से इसकी करूँगी। मैंने जैसे कि पता है जब से मैंने क्या होता है ना कि मेरे हाथ दर्द हो जाते हैं ऐसे फ़ोन पकड़ने से, जब से मैंने थोड़ा सा पार्लर का काम करने लगी हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थोड़ा केयर करनी पड़ती है हर एक चीज़ की। तो आप देख सकते हैं मेरे नेल्स वगैरह भी बड़े हैं, तो इससे मैं मिट्टियों में काम नहीं कर सकती क्योंकि ये नेल्स में चले जाएंगे और फिर ये मुझे प्रॉब्लम करेगी। बट फिर भी मैं ऐसे ग्लव्स डालूँगी हाथ में, लिफाफा डालूँगी जिसे कहते हैं, उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी निपाई करूँगी। कि जैसे देखो इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए लाइफ में, जितना भी कुछ कर ले, बट अपना औकात तो नहीं भूलना चाहिए, और मैं भी नहीं भूली हूँ। मैं जानती हूँ बचपन में मैं उस मिट्टी के घर में रही हूँ। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपने पिछली वीडियो में नहीं देखा तो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सॉरी मैं लिंक डाल दूँगी, और नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप लोग देख लेना, और देखा होगा तो पता ही होगा। तो बचपन में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज थोड़ा धूप आएगा, धूप आने के बाद मैं पूरा थोड़ा सा सफाई करती हूँ, थोड़ा सा इसकी निपाई करती हूँ, गांव में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं देखूँगी, शाम को मैं थोड़ा खाने पीने का अरेंजमेंट करूँगी कि क्या बनाना है मुझे, तो शाम को एक ब्लॉग। और अगर ये सूख जाती है तो मैं करूँगी, नहीं सूखेगी तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गीले चूल्हे में ना चूल्हे जलते नहीं हैं, ऐसे होता है, तो इसलिए अगर सूख गया तो ठीक है। और क्योंकि गैस ख़त्म हो जाती है अचानक से, तो यहाँ पे गाड़ियों की भी सुविधा नहीं है, मेरा ब्रदर भी नहीं है, और ब्रदर होता भी तो बाइक का सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई भी किसी भी तरह का साधन नहीं है। किसी दिन मैं आपको मार्केट जाके दिखाऊंगी कि वहाँ कितनी दूर होती है हमें जाने के लिए, कितना दूर पड़ता है हमें, और जब दूर मतलब कि पैदल तो हम बिल्कुल जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मतलब जा सकते हैं, मतलब मुझे अभी आदत नहीं है थोड़े टाइम से, और मेरी मम्मी मेरा ब्रदर चल लेता है, बट अभी ब्रदर है नहीं। और जहाँ तक की बात है सिलेंडर की, तो सिलेंडर बुक हो जाती है और किसी की गाड़ी अरेंजमेंट करके हमें लेके जाना होता है, बट ब्रदर अभी यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मैंने फोर्स नहीं किया। मैंने सोचा चलो आप अपना काम कर लो भाई, उसके बाद तुम यहाँ पर आना, कोई बात नहीं, मैं किसी तरह एडजस्टमेंट कर लूँगी। देखिए धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है आप जा रहे हो? मम्मी फ़ोन ले लिया ना? ठीक है हाँ, तो आज आप मम्मी टिफिन नहीं लेके जाना है? अच्छा मैं कर दूंगी, बंद कर दूंगी। आज टिफिन लेके नहीं जाना? डाल लीजिए ना, मैंने देख लीजिए टिफिन लेके क्या जाएंगे, बनाया नहीं है, आप देख लीजिए। अच्छा आज ना मम्मी के लिए मैंने कुछ अच्छा बना नहीं पाई हूँ, तो हाँ मैंने मम्मी के लिए अच्छे से थोड़ा सा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि मम्मी तो ये सारा इसमें लगी रहती हैं, अकेले हैं तो, और मैं रसोई में लग जाती हूँ सुबह सुबह जब से आई हूँ, तो मैं मम्मी को हेल्प करती हूँ। मैंने सोचा बगान में भी मैं हेल्प करूँगी, बट मम्मी लगने नहीं देती है मुझे, क्योंकि मम्मी को पता है कि इसे आदत नहीं है। एक्चुअली बचपन से मेरा थोड़ा अलग ही रहा है, मैं साफ़ सफाइयों में ज़्यादा लगती हूँ घर के साथ। ये था आज का ब्लॉग, और आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और जैसे आपने पिछले वीडियोज़ में प्यार दिया वैसे इस वीडियोज़ में भी प्यार दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज और एक बात मैं करना चाहती हूँ, वो मैं अंदर चल के करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। ठीक है तो गाइस मैं बाहर से थोड़ा अंदर आ गई हूँ, और एक बात मुझे और करनी थी, ये करनी थी कि जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ गांव पे, तो यहाँ पे ज़्यादा काम है, मतलब कि मेरा जो अपना काम है जो पार्लर का काम है वो कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि ब्लॉग बनाती रहूँगी तो मेरा भी दिल भी लगता रहेगा, एंड लेकिन अगर मैं बनाती हूँ और जब मुझे उसमें प्यार नहीं नज़र आता है, कमेंट्स नहीं आते, इतने सारे व्यूज़ आते हैं, जो भी व्यूज़ आते हैं 40-50 जो भी हैं,
मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी बातें शेयर कर रही हूँ या अपना कुछ भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, लोग देख रहे हैं, कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे फिर भी अच्छा लगता है। मैं फिर भी सेटिस्फाइड हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इतनी सी उम्मीद होती है कि लोग जितने भी व्यूज़ होते हैं कम से कम कुछ कमेंट करके बोल दिया करें मुझे, तो उससे क्या होगा ना कि मुझे अच्छा लगेगा और मुझे आगे वीडियोज़ बनाने की हिम्मत मिलेगी मुझे। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ, और डेली व्लॉग में मैं क्या क्या बनाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर करके ना मुझे थोड़ा सा आइडियाज़ दीजिए कि गांव में मैं और क्या क्या बना सकती हूँ, ठीक है। तो मैं और बनाती रहूँगी जैसे भी मुझे आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग भी टेंशन की वजह से काम करना बंद हो जाता है। तो आप लोग मुझे आइडियाज़ दीजिएगा और आज के बाद मैं डेली व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।